अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी क्रिस्पी ज़बरदस्त स्नैक्स पकौड़ा बनाने की रेसिपी। तो ये पकौड़े हम बनाएंगे बंद गोभी और ऑनियन के साथ। तो यहाँ मैंने ली है बंद गोभी। देखें, बंद गोभी को मैंने इस तरह से काट लिया है बिल्कुल बारीक बारीक, और साथ ही हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के ऑनियन। ऑनियन को भी इस तरह से, ये देखें, आप रफली सा काट लें, और साथ ही हमें चाहिए कोरियंदर बारीक कटा। और साथ ही मैंने ली है ज़बरदस्त स्पाइसी हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली, और इनको भी मैंने इस तरह से, ये देखे, काट लिया है। तो अब हमने क्या करना है, ये धनिया और सब जाएगा इस तरह से कटी हुई गोभी के अंदर। हरी मिर्चें, धनिया और ऑनियन सब कुछ इस तरह से डाल दें आप बहुत ही प्यार से इस तरह से गोभी के अंदर। तो टेस्ट के मुताबिक डालेंगे हम इसमें सॉल्ट, साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्च, कुटी हुई कश्मीरी सुरख मिर्च पाउडर, जाएगी हल्दी भी कलर पकोड़े को बहुत ही खूबसूरत कलर देने के लिए, साथ ही जाएगा कुटा हुआ धनिया। उसके बाद डालिए रोस्टेड जीरा। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा सा। जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो यहाँ मैंने लिया है बेसन। ये देखिए, यहाँ मैंने 1 कप के करीब, मीडियम साइज़ का 1 कप है बेसन लिया है। जब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर बेसन डालूंगी और फिर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये पकोड़े आप स्नैक्स टाइम भी बना सकते हैं, टी टाइम भी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही बढ़िया स्वाद देते हैं ये ना। और अब जब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस तरह से बेसन डालिए, ये देखिए, और ज़्यादा नहीं इसमें बेसन डालना, बिल्कुल आपने डालना है मीडियम, हाफ कप लेना है आपने। और अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर, अब थोड़ा सा मुझे पानी की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी एक अच्छा सा स्मूथली बैटर बनाने के लिए। तो ये देखिए, जब हम बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो 1 कप हमने लेना है, एक टेबल स्पून लेना है कुकिंग ऑयल। जो कुकिंग ऑयल हमने हीटअप करने के लिए रखा है पकौड़ों को फ्राई करने के लिए, उसी में से आपने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लेना है और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इससे क्या होगा कि हमारे पकौड़े जो है ना वो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो कुकिंग ऑयल आपने 1 टेबल स्पून ज़रूर डालना है। तो ये बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया। तो अब हम अपने पकौड़ों को फ्राई करने के लिए लेंगे कुकिंग ऑयल, जिसमें कढ़ाई में, पैन में आपने फ्राई करना है। कुकिंग ऑयल को पहले बहुत अच्छे से हीटअप कर लें फुल हाई फ्लेम के ऊपर। तो ये देखिए, पकौड़ों को फ्राई करने की एक टेक्निक होती है, जब ऑयल हमारा बहुत अच्छे से, कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो उसके बाद हमने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम हाई पे कर देना है। और उसके बाद इस तरह से, ये देखें, पकौड़े को इस तरह से बॉल से उठाना है हमने एक ही मुट्ठी में ये, और उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के तो इस तरह से कढ़ाई में डाल। तो ये देखिए, सारे जो है ना वो मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी, पकौड़े कढ़ाई में, पैन में डालती जाऊँगी इसमें। इस तरह से, ये देखिए, 2 से 3 मिनट के। तो यहाँ अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे एक स्पून की मदद से। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत क्रिस्पी कलर आया है। तो इस तरह से हमने इसकी साइड को चेंज करना है। तो पहले आप एक स्पून की मदद से ही इस पकोड़े की जो साइड है ना इसको चेंज करेंगे। ये देखें, बहुत ही हल्के हाथों से, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी हमारे यहाँ पर स्नैक्स पकोड़े यहाँ पर बन रहे हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने टोटल 5 से 6 मिनट देने हैं अपने पकौड़ों को फ्राई होने के लिए। यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, मैं आपको साइड चेंज करके भी दिखाती हूँ, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स पकौड़े यहाँ पर रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ईजीली झट से ये रेसिपी रेडी हो जाती है। तो इस तरह से प्लेट में पहले रखिए एक पेपर, जब पेपर रखने के बाद उसके बाद आप सिंपल प्लेट में जिसमें सर्व करना है उसके बाद आप सर्व कीजिए, ताकि इसका जो ऑयल है वो पेपर जो है वो पकौड़ों का ऑयल बड़े अच्छे से वो चूस ले, और उसके बाद आप सर्विंग प्लेट में सर्व कीजिए। सारे जो पकौड़े हैं वो मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ
मिक्स वेजिटेबल गोभी और प्याज के साथ पकोड़े यहाँ पर रेडी। स्नैक्स टाइम बनाएं, जब भी जी चाहे बनाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। और मनपसंद की चटनी, केचप, इमली की चटनी, पुदीने की चटनी केचप के साथ सर्व कीजिए, तो मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। तो मेरी तो फेवरेट पुदीने की चटनी है, मैं आपको उसके साथ टेस्ट करके बताऊंगी। जबरदस्त लाइक बनता है। खुश रहिए, अपनी दुआ में याद रखिए, मुझे अप्रिशिएट कीजिए, और मैं चलती हूँ गर्मा गर्म पकौड़े खाने। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।